हेलो भाइयों, आज आज हम लोग गन्ना चुरा लिए हैं और फिर से हम लोग छील के नहीं खाएंगे। आज हम लोग ऐसे करेंगे, बहुत महंगा पड़ रहा है। आ रहे हैं, इनका मशीन रहेगा हमारा गन्ना उसके बाद, क्योंकि इनका खरीदेंगे तो बहुत महंगा पड़ता है। हमने गन्ना ला लिया है और इन्हीं के मशीन में लगा के जूस निकाल के बाकी सब पीने के लिए लाइन पर खड़े हो गए हैं। मशीन उठ गई है, मशीन हम लोग साइड में लगवा रहे हैं। ये हमारा गन्ना आ गया है, मेरा भाई गन्ना लेके आ चुका है और इसी मशीन से निकलवाएंगे इसका जूस और सब लोग पियेंगे। देखते हैं सब लोग हो जाएंगे कि नहीं। गन्ना आ गया है और मेरा भाई पहले से ही बात हो चुकी है इनसे, हम लोग ड्राइवर सीट पे बैठ जाएंगे। चालू हो जाएगा गन्ना हमारा और ये भैया है हमारे, इनसे पहले से ही बात हो चुकी है। भैया बहुत बढ़िया है, मुस्कुरा रहे हैं, मज़ा आ गया है भैया को भी। और सब लोग लाइन पर लग चुके हैं और हमने पुदीना भी घर का व्यवस्था करके रखा था पहले से ही। धड़ाधड़ अब यहाँ से जूस निकालने की बारी है। जूस निकालने के बाद और गिलास वाला हिसाब नहीं है और जितना भी निकलेगा सब अपना, वो गिलास वाला हिसाब नहीं है। और ये आ चुका है हमारा पुदीना, भैया ने पानी निकाल दिया है और शुद्धता का परिचय देते हुए भैया गन्ना का मशीन धुल देंगे थोड़ा सा और मज़ा आ जाएगा। और ये तपेली भी लेके आ चुका है मेरा भाई। और दोपहर बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, चिलचिलाती हुई गर्मी है और सब गमछा टोपी के साथ बैठे हुए हैं। और पहला गन्ना हमारा इधर जाएगा या या और हमारा गन्ना मोटा है, भैया की मशीन ले नहीं रही है और थोड़ा मशीन ढीला किया गया है तब गन्ना आया। इतना ज़्यादा जूस है हमारे देसी गन्ने में कि जूस यहाँ तक उछल के आ रहा है। ये देखिए, ये इधर, ये और अभी एक ही गन्ना गया है और तपेली भरने वाली है। इतना ज़्यादा जूस निकल चुका है, मज़ा आ गया है और सब लोग एकदम मस्त हो गए हैं कि अब पियेंगे और मज़ा तो आएगा ही। गर्मी बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा बादल भी अभी घिर चुका है, इसीलिए अभी थोड़ा सा राहत महसूस हो रही है, लेकिन गर्म हवाएं बहुत भयंकर चल रही है और आशा है कि इसको पीने के बाद फिर एकदम ठंडा हो जाएगा सब लोग का। भैया ने हिमालय से बर्फ ला के डाल दिया है, बर्फ का भी मज़ा आ जाएगा और मज़ा ठुकाने वाला है एक नंबर। या और ये रुक चुके हैं हमारे कोई थोड़े बहुत सर रुक होते हैं कि हाजिर हो गया हम चीज। और वो पुदीने की खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है मेरे मोटे भैया से, बोल रहे हैं गिलास दे दो पहले। ये सीट भी हमारी आरामदायक है, और सब लगातार ग्लास पे ग्लास भूल रहे हैं एकदम झमाझम। ये मजा आ गया, पुदीने की खुशबू एकदम भिन चुकी है और बहुत ही मजा आ रहा है रसभंगा और सब लोगों ने पी लिया है। लास्ट किस जा रहा है हमारा हाथी और लीटर लीटर चल रहा है। ये है हमारे यहाँ के गोरे, ये छठवां गिलास रेल रहे हैं और क्योंकि पैसा वैसा लगा नहीं है किसी का भी और फ्री वाला हिसाब है। या चेहरे की मुस्कान देखिए लाली, या हाँ बहुत ही मजा आ गया है। भैया अब जाने वाले हैं और पेट एकदम फूल गया है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही छोटा छोटा मजेदार ब्लॉग हम लोग लाते रहेंगे।